लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, अब देखिए इसको एक बार लिमिट से इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे लिमिट f = 0 की रेंज को देखो तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें हम x = 0 रखेंगे की रेंज को 0 1 1 हो जाएगा, ऊपर डिफरेंट नंबर है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c की रेंज को देखो तो क्या हो जाएगा, की रेंज को c हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग 0 की रेंज को देखो तो क्या हो जाएगी,